इस समय देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में बुर्का पहनकर आने वाली मतदान करने वाली महिलाओं को लेकर खास संदेह जताया गया है कि वो फर्जी वोटिंग कर सकती हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने मांग की है कि ऐसी महिलाओं की खास जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं जो बुर्का पहनती हैं, वोटिंग भी की है उन्होंने, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तंजीम फातिमा है। तंजीम जी, जिस तरीके से ये कहा गया है कि बुर्का पहन के फर्जी वोटिंग हो सकती है, क्या कहेंगे? ये तो सरासर गलत है। ये क्या कहते हैं, आज पहली बार तो वोटिंग हुई नहीं है, जो महिलाओं पे ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है बुरखे वालियों पे, एक जमाने से वोटिंग होती चली आ रही है। और दूसरी बात, बुरखे वाली महिलाओं के लिए क्यों ऑब्जेक्शन उठा रही है, क्या ऐसी क्या बात है, क्या उन्होंने ऐसा कर दिया? बहुत सी महिलाएं 90% ऐसी हैं जो मोदी जी को ही अच्छा मानती हैं, उन्हें अपना मुख्यमंत्री मानती हैंगी, तो फिर मुसलमान महिलाओं के लिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वो मुसलमान महिलाएं तो उनकी सपोर्ट करती हैं। और दूसरी बात यह है कि जब वो मतदान करने के लिए जाती हैं तो अपनी आईडी प्रूफ लेकर जाती हैं, जैसे कि पहचान पत्र है, वोटर आईडी है, और इतनी वहाँ पर सख्ती होती है कि एक बार वोटिंग पड़ने से कोई चार चार बार तो वोटिंग पड़ ली जाएगी। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, मुसलमान महिलाओं को दबाने की कोशिश करी जा रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो देश चला रहे हैं तो देश क्या कहते हैं, जोड़ के करने का काम करें, देश को तोड़ने का काम ना करें। कि इस तरीके से मतलब कि महिलाओं के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो हिंदू कास्ट वालों को थोड़ा सा उभर के आएगा कि हाँ मोदी जी सही कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी जी भड़क गए, उन्होंने कहा कि हमारी खातिन को परेशान किया जा रहा है। ओबीसी जी का बिल्कुल कहना सही है, बिल्कुल उन्होंने सही आवाज उठाई है, ये सरासर गलत है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो वोटिंग तो तभी से चली आ रही है और नकाब भी तभी से ओढ़ा जा रही है। आज पहली बार तो महिलाएं नकाब ओढ़ के वोटिंग करने जा नहीं रहेंगी, जो मोदी जी को इतना परेशानी हो रही थी, हो रही है। वो हमारे मंत्री हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, तो वो भी मुसलमान महिलाओं की इज्जत करना सीखे, ठीक है तरीका। अच्छा, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम फरजाना अरहान है। फरजाना जी, क्या कहेंगी आपने सुना? मैं यही कहूंगी कि ये जो इन्होंने ये मुद्दा बुर्के का उठाया है, ये सरासर गलत है, और विदाउट एनी आईडी तो हम वोटिंग कर नहीं पाएंगे। और या तो वो आईडी ना मांगे, तब तो चलो कोई भी फॉर्जरी हो सकती है, अदरवाइज विदाउट आईडी जब वोटिंग नहीं हो सकती तो बुर्के का उसमें कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी घबरा गई है, क्या लगता है? मे भी हो सकता है कि भाई उनको कुछ लग रहा हो कि कम वोट होगा या उनका ज्यादा वोट, लेकिन जो उनकी जो थिंकिंग है फॉर्जरी वोटों का, जो जाली वोट पड़ते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल राइट वे में वोट पड़ रहे हैं। और विदाउट आईडी अगर पढ़ते तो मैं एक बार सोच भी सकती थी कि उनकी थिंकिंग सही है, अदरवाइज उनकी थिंकिंग बिल्कुल रॉन्ग है। और बुर्कों को महत्व देना चाहिए और मुस्लिम समाज में बुर्के का बहुत महत्व है और उसकी हम इज्जत भी करें, सम्मान देते हैं। बुर्के की बात की जाए, बुर्के को लेकर लगातार राजनीति होती रही, आपने देखा पूरे 5 साल राजनीति होती रही, और अब जब मतदान का समय आया है तो ये कहा जा रहा है कि बुर्का पहनकर जाने वाली महिलाओं की खास जाँच होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये तो हमारे इस्लाम की शान है बुर्का पहनना, और ये हम पहनते चले आए हैं और पहनते रहेंगे। इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसको पहन के हम कोई गलत काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि वोट भी पहले से पड़ रहे हैं और बुर्का भी पहले से ही पहना जा रहा है। ओबीसी जी ने कहा हमारी खातिन को परेशान किया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है और सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं जी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मतलब इन चीजों को बिल्कुल ना निकाला जाए, ये तो पहले से ही पहना जाता है और राजनीति ना करी जाए जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी रानी। जी रानी। रानी, ये बताइए कि जिस तरीके से बुर्के पे बात की जा रही है कि बुर्के की जांच होनी चाहिए, बुर्का नसी महिलाओं की खास, क्या कहेंगे? भैया बुर्का तो मुसलमानों का तो वही है एक किस्म का, मुसलमान तो जरूर औरत जरूर खोड़ेगी, जिसमें कोई इतराज की बात नहीं करना चाहिए, नहीं मोदी जी को वोट तो मोदी जी को, किसी को पड़े डालना तो सबको। आप बताइए क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि ये मोदी जी की सोच जो है बिल्कुल गलत है, और महिला औरतें जो हैं वो तो शुरू से नकाब में रहती हैं, और उनका ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे तो हम अपना बॉडी कार्ड लेके जाएंगे तो आप उसी के जरिए तो हमें वोट डालने देंगे, तो इसमें हम जालसाजी कैसे कर सकते हैं? पहले देखा गया, कई बार ऐसे सुनने में आया कि फर्जी वोटिंग हो जाती है बुर्का पहन के नकाब पहन के, तो नकाब पहन के होती होगी, मतलब जब वोटर आप आईडी कार्ड देख रहे हैं हमारा, तो आप कैसे, आपके जो बैठे हुए हैं सदस्य जो देख रहे हैं हमें वोट डालने जा रहे हैं, तो वो हमें क्या कहें जाली वोट डालने देंगे जी। अच्छा। तो इसलिए नकाब जब पहन के जाएंगे तो अपना जब हम जा रहे हैं अपना वोट डालने तो अपना आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं, आप हमारा आईडी प्रूफ देख रहे हैं,
हम आईडी प्रूफ के जरिए ही अपना वोट डाल लें ना। तो आईडी की बात हो रही है कि आईडी प्रूफ होता है, लेकिन आईडी से ये कैसे क्लियर होगा कि आप ही हैं जब बुर्का पहने होंगी, नकाब पहने होंगी? फोटो नहीं है क्या उसमें? और मुंह में ढाट हट के डाला जाता है वोट, तो वही बुर्का तोड़ के डालेंगे वोट, ऐसे नहीं डालेंगे, बुर्का ही ओढ़ के डालते हैं, बुर्का ही ओढ़ के डालेंगे। बुर्का जी, बुर्के का जो विरोध हो रहा है वो गलत है जी, वो गलत है बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको? अभी उनकी मर्जी है ना, आपको क्यों लगता है कि गलत है बुर्के का विरोध? अरे जो हमारे मतलब मजहब में हम लोग ओढ़ रहे हैं, बचपन से ओढ़ते चले आए, वोट भी डाला है हमने कुआरेपन से, तो इसमें क्या है? अच्छा, जो तो गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये तमाम महिलाओं से आपने बात सुनी, उनका कहना आपसे बात होती थी, आप बताइए क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगी, मैं यही कह रही हूँ कि जो जिसका जो धर्म होगा वो तो ओढ़ेगा ही करेगा ही। अच्छा, और उनको अगर इतराज है तो फिर मुसलमानों को वोट नहीं लिया करें, पहले से छाट दे। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों समझती हैं कि उनको इस चीज का डर है, खतरा है? बात तो ये है ना कि वहाँ पर किसी तरीके की फर्जी वोटिंग ना हो, इसके लिए बात कही। तो ये तो पहले जब वोट डालने जाते हैं तो ढांचा खुलवा देते हैं, आधार जमा करवाते हैं, पहचान पत्र देखते हैं, सब चीज, बैंक के पासपोर्ट देखते हैं, तो इतनी उनके पुलिस लगे रहते हैं, सब चेक करते हैं, तो इसमें उनको सब करने की क्या बात है? नकाब में कोई आपत्ति नहीं है, ये नकाब तो एक इज्जत है। अब जो पहले से पहन के चले आए हैं और अभी इसको उतार देंगे तो हमें तो ऐसा लगेगा जैसे हम बिल्कुल जिन कपड़ों को फिर रहे हैं खाली खाली, एक आदत बन चुकी है हमारी, ठीक है, हम इसे अपनी इज्जत समझते हैं। लेकिन ये क्या तरीका है नकाब में, ऐसा क्यों? अब हिंदू कास्ट की लड़की, एक हजार लड़की, हजारों लड़की ढाटा लगा के जाती हैं, नकाब पहन रही हैं, ढाटे लगा के जा रही हैं, तो वो क्यों जा रही हैं ढाटे लगा के? वो ये सोच के जा रही हैं कि धूप है, ये क्यों क्यों जा रही हैं? उनके भी आपत्ति उठाई जाए कि हिंदू लड़की जितनी भी महिलाएं हैं वो ढाटा ना लगाएं, ना इसका ओढ़ें ना ढाटा लगाएं, तो उन पर तो कोई आपत्ति नहीं है। ये तो सब बेकार की बात है, ये चीज़ गलत है। जिसका जो धर्म है उसको अपनाने दिया जाए। इलेक्शन तो पहले भी होते थे, आज पहली बार थोड़ी ना आएंगे। जब से देश आजाद हुआ है तभी से वोटिंग चली आ रही है, तभी से नकाब भी ओढ़े आ रहे हैं। ये तो देखा आपने, तमाम जो यहाँ पर महिलाएं हैं इनमें काफी आक्रोश है। इनका कहना है कि बुर्का पहले से पहनते आ रहे हैं, जब देश आजाद हुआ था तभी से लगातार जो वोटिंग भी हो रही है और हम लोग हमेशा से बुर्का पहन के ही वोटिंग करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।